चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। गोरखपुर में मनीष हत्याकांड का असर फरुखाबाद जनपद में भी हुआ। पुलिस अत्याचार को लेकर व्यापारियों में उबाल है। सपा व्यापार सभा ने कैंडल जलाकर मार्च निकाला और मनीष को श्रद्धांजलि दी। हत्यारों को दंड के साथ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की। शहर के लाल दरवाजे पर सपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता के नेतृत्व में व्यापारी व वैश्य समाज एकत्रित हुए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कैंडल मार्च निकाल श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर अरविंद गुप्ता ने कहा कि सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई, जिसका जीता जागता उदाहरण मनीष गुप्ता की हत्या है। सरकार की सुस्ती के कारण पुलिस मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। जब सरकार उदंडता पर आ जाएगी तो अधिकारी निरंकुश हो जाएंगे। आज ये श्रद्धांजलि दी है, क्या है पूरा? देखिए, मैंने इससे पहले भी मेरी जितनी डिबेट हुई उनमें सब में स्पष्ट कहा, अगर सरकार उदंडता पे आ जाएगी तो अधिकारी निरंकुश हो जाएगा। जब हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि मार देंगे, भगा देंगे, प्रदेश में रहने नहीं देंगे, तो सीधी सी बात है पुलिस प्रशासन भी उदंड हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा। और जब इस तरीके की चीज़ें होंगी, जब प्रशासन निरंकुश हो जाएगा, तो फिर ऐसे ही जघन्य हत्याएं होंगी। दुनिया में सबसे बड़ा दुख जो है बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी का होता है, और ये चीज़ जिसने महसूस कर ली तो उसके बाद फिर ये नहीं लगता है कि इस प्रदेश में रहने के हमारे लिए जगह बची। आज कहीं पर भी हम जाते हैं तो यही महसूस होता है, पता नहीं कब हम जो है कहाँ पहुँचे, अब कब हमें खींच कोई मार दे। सीधी सी बात यह है कि हम सबके लिए बहुत ही दुख का क्षण है। मैं जो संतृप्त परिवार है उनके लिए कामना करता हूँ, परमात्मा उन्हें शांति दे। और कैसे शांत होंगे भगवान जाने, मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इतना बड़ा दुख है जो किसी के सहने योग्य भी नहीं। आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से आगे के लिए कार्यक्रम को रेखा? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से इसका वो कर रहे हैं कि जो लोग दोषी हैं उनको तो सजा मिले ही मिले, लेकिन ये जो नई परिभाषा चल रही है कि जिसमें जो पुलिस लोगों को मार रही है, इस पे अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। हम इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मांग करेंगे कि उच्च न्यायालय इसमें संज्ञान ले, ताकि जो पीड़ित के परिवारजनों को प्रशासन जो हड़का रहा था, धमका रहा था और ये बता रहा था कि अदालत में जाके तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, सालों लग जाएंगे तुम्हें, तो न्यायालय के लिए अवमानना है। अब इसके खिलाफ भी न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज 21 के साथ।